सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी खुश होंगे और स्वस्थ होंगे, वीडियोस देख रहे होंगे और अपना काम भी पूरा कर रहे होंगे। तो बच्चों, रोज वीडियोस देखिए, अपना काम पूरा करिए, और बच्चों जो भी आपको नहीं समझ में आता आप उसे ऑनलाइन क्लास में भी पूछ सकते हैं। तो बच्चों चलिए आज का वीडियो यहीं शुरू करते हैं। बच्चों एक बार फिर आप सभी का कक्षा 2 हिंदी में स्वागत है। हम कर रहे थे हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक खुलते पंख का पाठ मुझ में भी जान है। जैसा कि आप जानते हो बच्चों, इस पाठ का हम अभ्यास कर रहे थे और अभ्यास में भी हम कर रहे थे भाषा से। तो हम भाषा से का पहला 3 प्रश्न कर चुके हैं और कल हमने तीसरा प्रश्न किया था भाषा से। तीसरे प्रश्न में हमारे पास है उल्टे अर्थ वाले शब्द। उल्टे अर्थ वाले शब्द, अर्थ वाले शब्द, उल्टे अर्थ वाले शब्द। अब यहाँ पे कुछ उल्टे अर्थ वाले शब्द दिए गए थे जिनको हमने लिखा था और उनका मिलान किया था। तो उल्टे अर्थ वाले शब्दों का मिलान करो, मिलान करो, क प्रयोग की मात्रा रो। अब यहाँ पे आप देख सकते हो उल्टे अर्थ वाले शब्दों का मिलान करो, हमें 2 पंक्तियों में हमें अलग अलग शब्द दिए गए हैं। इन शब्दों को हम समझेंगे और उनके उल्टे अर्थ वाले शब्द के साथ उनका हम मिलान करेंगे यानी मिलाएंगे। तो चलिए अब यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास जो शब्द है, कल भी हमने इसे देखा था, वो है साफ। स पे आ की मात्रा सा, फ के नीचे नुक्ता साफ। साफ के बाद हमारे पास शब्द है सूखा। स पे बड़े की मात्रा, ख पे आ की मात्रा सूखा। उसके बाद हमारे पास है जीवित। ज पे बड़ी की मात्रा, व पे छोटी की मात्रा, त जीवित। उसके बाद हमारे पास है ठ पे बड़ी की मात्रा ठीक। ठ पे बड़ी की मात्रा ठीक। उसके बाद हमारे पास है बेचना। व पे ए की मात्रा बे, च न पे आ की मात्रा ना, बेचना। उसके बाद हमारे पास है ब ढ, न पे आ की मात्रा ना, बढ़ना। ये 1 पंक्ति है साफ, सूखा, जीवित, ठीक, बेचना, बढ़ना। उसके ठीक सामने हमारे पास शब्द है खरीदना। ख र पे बड़ी की मात्रा री, द न पे आ की मात्रा ना, खरीदना। उसके बाद शब्द है गलत। ग ल त गलत। गलत के बाद है घ ट ना, घ ट ना घटना। उसके बाद है हरा भरा। ह र पे आ की मात्रा रा, भ र पे आ की मात्रा रा, भरा। उसके बाद है मृत। मृत मृत और मृत के बाद है गंदा। ग पे बिंदी गन, द पे आ की मात्रा दा, गंदा। तो ये कुछ शब्द हैं जो आपके अभ्यास में दिए गए हैं, इनको हमें मिलाना है। चलिए तो हम इसका मिलान करते हैं। आप देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पे सबसे पहला जो शब्द है वो है साफ। सबसे पहला जो शब्द है वो है सुचरण। साफ, साफ, सूखा, जीवित, ठीक, बेचना, बढ़ना, खरीदना, गलत, घटना, हरा भरा, मृत, गंदा। तो ये शब्द हैं, इनके हमें उल्टे यानी विपरीत अर्थ वाले शब्दों के साथ उनको मिलान करना था। हमने अभी तक उल्टे अर्थ वाले शब्दों को पढ़ा था और जाना उल्टे अर्थ वाले शब्दों को हम विपरीत अर्थ वाले शब्द भी कहते हैं और विलोम शब्द भी कहते हैं। तो यहाँ पे हम इनके उल्टे अर्थ वाले शब्द के साथ इनका मिलान करेंगे। साफ, अगर हम साफ कहें तो उसका उल्टा हो जाएगा गंदा। कोई भी चीज साफ है उसका उल्टा गंदी है, ठीक है। सूखा, सूखा का मतलब यहाँ पे पेड़ से है, अगर पेड़ सूखा है तो उसका विपरीत होगा हरा भरा। पेड़ सूखा है तो उसका उल्टा होगा हरा भरा, तो हम उसे हरा भरा के साथ मैच करेंगे। जीवित, जीवित है तो हम उसे मृत के साथ मिलाएंगे। जीवित यानी जिंदा रहना, मृत यानी मर जाना। तो यहाँ पे जीवित का मृत के साथ मिलान करेंगे।
ठीक, ठीक का मिलान हम गलत से करेंगे, ठीक गलत, ठीक का है गलत। उसके बाद बेचना, बेचना का है खरीदना, बेचना का है खरीदना, बेचना का उल्टा होता है खरीदना, तो हम बेचना को खरीदना से मिलाएंगे। उसके बाद बढ़ना का होगा घटना, तो बढ़ना को हम घटना से मिलाएंगे। और इस तरह से इस अभ्यास को हमने पूरा किया, कल भी हमने पढ़ा था, आज भी हमने पढ़ा, और यहाँ पे समझा उल्टे अर्थ वाले शब्द, यानी कि वो शब्द जिनका अर्थ उल्टा है उनके साथ हम उनका मिलान करेंगे। और उसके बाद उल्टे अर्थ वाले शब्द का मतलब विरोध शब्द से भी होता है, उल्टे अर्थ वाले शब्द को हम विपरीत अर्थ वाले शब्द भी कह सकते हैं। तो इस तरह से आप इसे अपने बुक में ही करेंगे। उसके बाद आज का हमारा अगला अभ्यास है बच्चों, आप अगर अपने बुक में देख सकते हैं तो आपके बुक में जो अगला अभ्यास है वो है प्रश्न 5। प्रश्न 5, कल हमने प्रश्न 4 किया था, आज हम करेंगे प्रश्न 5। प्रश्न 5 में हमारे पास है, प्रश्न है हमारा बच्चों बहुवचन लिखो। बहुवचन, बहुवचन का मतलब है यहाँ पे हम दी गई चीजों के की संख्या के बारे में बात करें। बहुवचन, हम यहाँ पे दिए गए वस्तुओं की संख्या की बात कर रहे हैं। तो जो भी वस्तु यहाँ दी गई है वह एक वचन में है, यानी एक है संख्या में, उसका हम बहुवचन रूप लिखेंगे। तो यहाँ पे बहुवचन लिखो, पहले हम शब्दों को देख लेते हैं। बहुवचन लिखो, हम पहले शब्दों को देख लेते हैं, कौन से शब्द हैं। शब्द में हमारे पास पहला शब्द है गलती, ग ल त पे बड़ी की मात्रा ती, गलती। दूसरा शब्द है ल क पे बड़ी की मात्रा की, लड़की। तीसरा शब्द है कुल्हाड़ी, क पे छोटे की मात्रा आधा ल, क पे आ की मात्रा, ल पे बड़ी की मात्रा, कुल्हाड़ी। कुल्हाड़ी के बाद हमारे पास आखिरी शब्द है द वा ई, यह है दवाई। तो बच्चों बहुवचन, बहुवचन का मतलब होता है संख्या, संख्या एक से अधिक संख्या हो तो उसे हम बहुवचन कहते हैं। तो यहाँ पे हमने वचन पढ़ा है, वचन का अर्थ होता है नंबर्स, यानी कि संख्या, वह शब्द जिससे हमें संख्या, संज्ञा शब्द की संख्या पता चले उसे हम वचन कहते हैं। तो बच्चों वचन में हमारे पास दो प्रकार के वचन होते हैं, अगर आपको याद होगा हमने व्याकरण में भी पढ़ा है कि वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन बहुवचन। एक वचन में कोई भी वस्तु एक होती है और बहुवचन में कोई भी वस्तु एक से अधिक होती है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें किसी भी चीज़ की, वो एक है तो हम उसे एक वचन कहते हैं, और वो एक से अधिक है तो हम उसे बहुवचन कहते हैं। तो यहाँ पे एक वचन शब्द दिए गए हैं, गलती यानी एक गलती, लड़की यानी एक लड़की, कुल्हाड़ी यानी एक कुल्हाड़ी, दवाई यानी एक दवाई। तो यहाँ पे हम किसी भी चीज़, जो भी चीज़ें दी गई उनकी एक संख्या के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन हमें इनको इनका बहुवचन रूप लिखना है, यानी जब ये अनेक हो जाते हैं तो हम इन्हें क्या कहते हैं वो लिखना है। तो गलती, गलती एक होती है तो हम उसे गलती कहते हैं, और अनेक गलतियां हैं, बहुत सारी गलतियां हैं तो हम उसे गलतियां कहेंगे। तो बच्चों आपको मैंने यहाँ पे एक नियम बताया था कि जब भी हम किसी शब्द को एक वचन से बहुवचन में बदलते हैं तो हम वहाँ पे कुछ चीज़ों पर ध्यान देते हैं, जैसे कि यहाँ पे जितने भी शब्द दिए गए हैं हम उसके आखिरी वर्ण को देखेंगे। आखिरी वर्ण क्या है यहाँ पे, यहाँ पे है त पे बड़ी की मात्रा ती, क पे बड़ी की मात्रा की, ड पे बड़ी की मात्रा डी, और द के बाद बड़ी ई का प्रयोग किया गया, यानी कि यहाँ पे जितने भी शब्द दिए गए सभी के आखिर में बड़ी ई या बड़ी की ई की मात्रा है। तो यहाँ पे तीन शब्दों में तो बड़ी ई है और एक शब्द में बड़ी ई की मात्रा है, तो जब भी हमारे पास बड़ी ई की मात्रा होती है तो हम उस बड़ी ई की मात्रा को छोटी ई की मात्रा बना देते हैं और या लगा देते हैं, तो शब्द बन जाता है बहुवचन। तो यहाँ पे भी जब हम इन शब्दों का बहुवचन रूप लिखेंगे तो इनके पीछे हम या लगाएंगे, और यहाँ लगाने से पहले हमें एक और परिवर्तन करना पड़ेगा, वो ये है कि जो आखिरी की मात्रा बड़ी की मात्रा है उसे हम छोटी की मात्रा बनाएंगे। और ये गलती आप अक्सर करते हो, यहाँ तो लगा देते हो लेकिन मात्रा को नहीं बदलते हो तो शब्द गलत हो जाता है, आपको जीरो मिलता है। इसलिए जब हम यहाँ लगाएंगे तो इस बात का भी ध्यान देंगे कि जो मात्रा बड़ी थी उसको हमने छोटी भी बनाना है। तो चलिए हम यहाँ करके देखते हैं, गलती, गलती में आखिर में बड़ी की मात्रा है, अब इस बड़ी ई की मात्रा को हम पहले छोटी ई की मात्रा बनाएंगे, गलती,
य पे आ की मात्रा या, ये हो जाएगा गलतियां, ये हो जाएगा गलतियां। गलती यानी एक गलती, गलतियां यानी अनेक गलतियां, एक से अधिक गलतियां, तो ये हो गया गलतियां। उसके बाद लड़की यानी एक लड़की, तो हमने लड़की लिखा, और यहाँ पे भी बड़ी की मात्रा है तो ल, ड, क पर छोटी की मात्रा हो जाएगा, और य पे आ की मात्रा और चंद्रबिंदु हो जाएगा, यहाँ पे आ की मात्रा और चंद्रबिंदु हो जाएगा, और शब्द बना लड़कियां। लड़की का मतलब एक लड़की और लड़कियां का मतलब अनेक लड़कियां। उसके बाद है कुल्हाड़ी। कुल्हाड़ी को जब हम बहुवचन रूप लिखेंगे कुल्हाड़ी का, तो हम लिखेंगे कुल्हाड़ियां, क्योंकि यहाँ पे भी ड पे बड़ी की मात्रा है, तो वही नियम लागू होगा, हो जाएगा क पे छोटी की मात्रा, आधा ल, ह पे आ की मात्रा, ड पे छोटी की मात्रा, और य पे आ की मात्रा, चंद्रबिंदु, ये हो जाएगा कुल्हाड़ियां, कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ियां। उसी तरह से दवाई, अब जहां पे बड़ी की मात्रा है, जहां पे बड़ी ई का प्रयोग है वो छोटी हो जाएगा और या लग जाएगा, तो ये हो जाएगा द वा ई यां, दवाइयां, शब्द बन गया दवाइयां। तो बच्चों यहाँ पे हमने दिए गए शब्दों को एक वचन से बहुवचन में बदला, जैसे कि सबसे पहला वाला शब्द है गलती, गलती का मतलब एक गलती, और इसको जब हमने बहुवचन में बदला तो हमने, क्योंकि यहाँ पे बड़ी की मात्रा थी, इस मात्रा को हमने छोटी की मात्रा बनाई और या लगा दिया, ये हो गया गलतियां। उसके बाद लड़की में बड़ी की मात्रा है, इसको सबसे पहले हमने छोटी की मात्रा बनाई और इसके साथ या लगाया, ये हो गया लड़कियां। कुल्हाड़ी में भी वही है, बड़ी की मात्रा है, तो हमने इस मात्रा को छोटी की मात्रा बनाई और उसके बाद या लगाया, तो ये हो गया कुल्हाड़ियां। दवाई में मात्रा तो नहीं है लेकिन बड़ी ई का प्रयोग किया गया है, तो इस बड़ी ई को हमने छोटी की ई बनाई, ई छोटी और या लगाया, ये हो गया दवाइयां। तो गलती गलतियां, लड़की लड़कियां, कुल्हाड़ी कुल्हाड़ियां, दवाई दवाइयां, इस प्रकार से हमने इसे करके यहाँ पे एक वचन से बहुवचन में बदला। तो बच्चों इस तरह से आप इसे अपने बुक में करेंगे, कर लीजिए। उसके बाद चलिए हमारा अगला अभ्यास है, अगर आपने कर लिया हो तो हमारा अगला अभ्यास है, जो उम्मीद आपने कर लिया होगा। अगले अभ्यास में बच्चों हमें कुछ शब्द दिए गए हैं और उसके अलग 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 रूप दिए गए हैं, अलग अलग मात्राओं के प्रयोग से उसे के अलग अलग रूप को हमें बताया गया, हमें इसे सिर्फ पढ़ना है और समझना है। तो यहाँ पे हमारे पास अगला हमारा प्रश्न है 6, पढ़ो, प, ढ पे ओ की मात्रा, पढ़ो और लिखो, और लिखो, ल पे छोटी की मात्रा, ली, और ख पे ओ की मात्रा, खो, ये हो गया पढ़ो और लिखो। अब सबसे पहला जो हमारे पास है, सबसे पहले हमारे पास है क, क में हमारे पास है हरा, ह, र पे आ की मात्रा, रा, हरा। उसके बाद है ह, र पे बड़ी की मात्रा, री, हरी। फिर है ह, र पे ए की मात्रा, रे, हरे। दूसरा है सूखा, ख, स पे बड़े की मात्रा, सू, ख पे आ की मात्रा, खा, सूखा। दूसरा शब्द है स पे बड़े की मात्रा, सू, ख पे बड़ी की मात्रा, खी, सूखी। उसके बाद हमारे पास है सूखे, स, ख, स पे बड़े की मात्रा, सू, और ख पे ए की मात्रा, खे। उसके बाद हमारे पास है ख, ग, ग में हमारे पास है, ग है नन्हा, न, आधा न, ख पे आ की मात्रा, नन्हा। फिर है न, आधा न, ह पे बड़ी की मात्रा, नन्ही। उसके बाद है न, आधा न, ह पे बड़ी ए की मात्रा, नन्हे। इस तरह से बच्चों आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे शब्द जो दिए गए हैं ये एक ही ह और र के अलग अलग रूप दिए गए हैं, जिसमें हमने मात्रा बदल करके इनके अलग अलग रूप, यानी हमने इनको अलग अलग, इनके अलग अलग शब्द बनाए, जैसे कि ह, र पे आ की मात्रा, रा, ह, र पे बड़ी की मात्रा, री, ह पे बड़े की मात्रा, ह पे ए की मात्रा, हरे, ह, र पे ए की मात्रा, हरे। सूखा, स पे बड़े की मात्रा, सू, ख पे आ की मात्रा, खा, स, ख पे बड़ी की मात्रा, सू, खी, स, स पे बड़े की मात्रा, सू, ख पे ए की मात्रा, खे,
सूखे नन्हा न आधा न ह नन आ की मात्रा नन्हा नन्ही नन्हा का प्रयोग हम बच्चे के लिए करेंगे नन्ही बच्चे के लिए करेंगे और नन्हे नन्हे बहुत सारे बच्चों के लिए करेंगे है ना। तो यहाँ पे न आधा न ह पे की मात्रा हे नन्हे तो शब्द हमारे वही थे मतलब हमने यहाँ पे व्यंजन हमारे वही थे सब पे अलग अलग मात्रा लगा करके हमने अलग अलग शब्द बनाए और इन शब्दों को पढ़ा और समझा। तो इस तरह से बच्चों आज का वीडियो यही समाप्त होता है। जो भी हमने किया आप उसे पढ़ लीजिएगा समझ लीजिएगा और इन सभी कार्यों को आप अपने किताब में ही करेंगे यानी कि बुक में ही करेंगे। तो आज के लिए बस इतना, कल एक बार फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी का दिन मंगलमय हो।